नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सवर्णों द्वारा भारत बंद के को लेकर पुलिस किस तरह मुस्तैद है, आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि पुलिस चक्रमण कर रही है। भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है और किस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस जो है वो रूट मार्च में लगी हुई है। किस तरह से भारत बंद के दौरान कोई हिंसा ना हो उसको देखते हुए जो जिस प्रकार से बताएं कि तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, आप देख रहे हैं किस प्रकार से पुलिस मुस्तैद है। भारत बंद जो सवर्णों का है उसको लेकर किस प्रकार से पुलिस ने ये चक्रमण कर रही है, पुलिस तस्वीरों में देख सकते हैं आप। भारत बंद को लेकर जो सवर्णों द्वारा घोषित किया गया था भारत बंद, उसको लेकर किस प्रकार से पुलिस मुस्तैद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से तस्वीर है कि पुलिस चक्रमण कर रही है पूरे शहर का। और भारत बंद जिस प्रकार से बीते दिनों हुआ, दलित संगठनों द्वारा जिस प्रकार से भारत बंद हुआ और उसके बाद पुलिस काफी मुस्तैद है और आप तस्वीरों में देख सकते होंगे किस प्रकार से पुलिस यहां पर भारत बंद के दौरान काफी मुस्तैद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के जो तो ये पुलिस जो चक्रमण कर रही है पूरे शहर का भारत बंद के जो लेकर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से हैं, ये तस्वीरें हैं जो भारत बंद को लेकर पुलिस किस प्रकार से चक्रमण कर रही है उसको देखते हुए, जो भारत बंद को लेकर उसको देखते हुए, भारत बंद को सवर्णों द्वारा जो घोषित है उसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चक्रमण कर रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख रहे हैं किस प्रकार से पुलिस शहर में चक्रमण कर रही है और इसके बाद जो भारत बंद को लेकर सवर्णों द्वारा घोषित किया गया है आज भारत बंद, उसके विरोध में जो भारत बंद है, जो आरक्षण में संशोधन हुआ था उसके पक्ष में आज सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। और हम मौजूद हैं शहर के मिर्जा हाजीपुरा पुलिस जो मिर्जा हाजीपुरा चौक है वहाँ पर।
काट ले लिया, लंबा लंबा ले लिया, आए लंबा लंबा ले लीजिएगा। अरे आगे से मत आए ना, ले लो ना इसे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, किस प्रकार से ये पुलिस जो है वो मुस्तैद है और ये शहर में जा रहे हैं, किस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन है उसको देखने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर रुके और उस तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो सके। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस काफ़ी मुस्तैद है घटना को लेकर। जिस प्रकार से बीते दिनों घटना हुई उसको लेकर पुलिस काफ़ी मुस्तैद है और आने वाले दिनों में इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके, जिस प्रकार से काफ़ी दिनों में घटनाएं हुई उसको लेकर पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शहर का जो है मिर्जाहादीपुरा पुलिस चौक जो चौक है वो वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच गई है शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए। सर किस प्रकार का ये पुलिस चक्रमण कर रही है और क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे ये मैसेज चल रहे हैं भारत बंद का, तथा कथित कुछ संगठन हैं या कुछ व्यक्ति हैं असामाजिक तत्व हैं इनके द्वारा ये चल रहा है। इसी के दृष्टिगत रखते हुए ये पूरे शहर में भारी पुलिस बल के साथ, पीएससी के साथ, कई थाना अध्यक्ष आप देख रहे हैं, कोतवाली है, दक्षिण टोला है, और शहर के सारे चौकी इंचार्ज हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, इनके साथ ये लगातार चक्रमण किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है, लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी पत्रियों से, हम लोग हमेशा सतर्क हैं, दुकानें खोलिए और अपनी रोज़मर्रा की जो भी आपकी कार्रवाइयाँ हैं उसको करते रहिए, कोई दिक्कत। शहर में किसी प्रकार का जुलूस वलूस निकाला गया कुछ? कोई नहीं, सख्त हम लोग सख्त हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। धारा 144 भी लागू है, जो उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो सीओसीटी हैं राजकुमार वो बात कर रहे थे कि धारा 144 लगी हुई है और किसी प्रकार से किसी भी जो अराजक तत्व हैं उससे निपटने के लिए हम मुस्तैद हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख रहे हैं, सबसे तेज न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस तैनात है। और शहर के ये जो इलाका है वो मिर्जाहादीपुरा पुलिस चौक का इलाका है और मिर्जाहादीपुरा चौक का इलाका है, यहाँ पर पुलिस है। और जिस प्रकार से बीते दिनों दलितों का आंदोलन हुआ उसको देखते हुए पुलिस काफ़ी मुस्तैद है और पुलिस जो सवर्णों का जो जिस प्रकार से आपने बताया व्हाट्सएप फेसबुक पे जो पोस्ट है उसके लेकर काफ़ी मुस्तैद है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप सबसे तेज न्यूज़ की ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कवरेज देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो एक बार फिर जो दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता दें कि किस प्रकार से व्हाट्सएप और फेसबुक पे दलित संगठनों के जो विरोध में जो उनका आंदोलन हुआ था, जो जो SC ST कानून है उसमें संशोधन जो हुआ था उसके पक्ष में आज सवर्णों का विरोध प्रदर्शन था, जिसको लेकर एहतियातन पुलिस काफ़ी सतर्क है। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में अभी रूट मार्च निकाला गया है, पुलिस किसी भी स्थिति किसी भी अराजक तत्व से निपटने के लिए मुस्तैद है और पुलिस PSC के साथ साथ शहर के सभी थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज यहाँ पर मुस्तैद हैं। और शहर के मिर्जाहादीपुरा से आप सबसे तेज न्यूज़ की कवरेज देख रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में जो त्यौहार हैं साथ ही साथ जो आंदोलन होने हैं जिसको लेकर जो बवाल हो रहा है उसको उससे निपटने के लिए, जैसा कि बीते दिनों जिस प्रकार से दलितों का आंदोलन हुआ और उसके बाद काफ़ी हिंसा हुई देश भर में, उसको लेकर आज पुलिस काफ़ी सतर्क है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से देख रहे हैं तस्वीरें, सबसे तेज न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।